तो आज हम फिलहाल तो दुर्गावती नाराज हो गई है क्योंकि ध्रुव ने छुआ है किसी राजकुमारी को। हमारे यहाँ मीनाक्षी जो राजकुमारी है उसको छुआ है और उसी के अपराध में दुर्गावती दंड देती है। तो ये उसी सीन का दौरान है, मतलब उस दौरान है जहाँ पर ध्रुव को मतलब ये कैद किया जाता है और दुर्गावती बोलती है कि इसको जंगलों में फेंक दो, और वहाँ जो काली गुफा है वहाँ पर फेंक फेंक दो उसे हमेशा के लिए। कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार जो है वो अटैच होते हुए हाँ, नजर आ रहे हैं ध्रुव, तो उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो। छोटा लड़का, आप जैसे जानते हो कि वो चित्रकार भी है और हर चित्र में वो अपना इस सदवी से, प्रेजेंट सदवी वो दिखाता रहता है अपने चित्रों से। सो उसका अटैचमेंट है और जाहिर सी बात है वो ध्रुव से रिलेटेड है, इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपने चित्र के द्वारा ही वो दिखाता है। ओके, लास्टली यानी मैसेज जो फैंस इस शो को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार उठा रहे हैं शो पे। आई थिंक बहुत अच्छा एक फ्रेशनेस आ गया है इस शो में, और हम लोग एक देवगढ़ किंगडम, यहाँ के विंटेज कॉस्ट्यूम्स और जो ड्रेसिंग है, बोलने का तौर तरीका जो है एकदम अलग लग रहा है। सो एक फ्रेश फील डेफिनेटली आया ध्रुव तारा में। लोग पसंद भी कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो मैं निभा रही हूँ, भाबोसा कैरेक्टर, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। और फैंस बहुत डीएम्स करते हैं कि हमको आपका ये अंदाज़ अच्छा लगा, वो अंदाज़ अच्छा लगा। करण जो मेरे बेटे का किरदार निभा रहे, जो यहाँ के राजा का किरदार निभा रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक वो उनका एक लोक के कॉस्ट्यूम, जो दूसरा बेटा है अनुज सचदेवा जो मान बना बने हैं, वो भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थानी टोन भी रखा है मेरी तरह, तो एक वो फ्रेशनेस आया शो में लिंगों को लेकर, कॉस्ट्यूम्स को लेकर। एक नया किंगडम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो आई थिंक ये शो के लिए भी अच्छा कर रहा है और ऑडियंस भी कुछ नया देखना चाहती है। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।